हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये शुरू वीडियो डालने लगा हूँ अपना कार रूफ टेंटिंग जो मैंने बनाया घर पे ही। ये सारा सामान जो है मेरे पास पड़ा हुआ था मेरी फैक्ट्री में। वेल्डिंग सेट भी है मेरे पास, कुछ टूल्स हैं जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सी क्लैंप है उसको टाइट करने के लिए, पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई हेल्पर तो होगा नहीं, खुद ही सारा काम करना है। तो जितने टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं ईजी करने के लिए, उतने मैंने टूल्स सारे ले लिए हैं। राइट एंगल है, सी क्लैंप है, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वेल्डिंग सेट, वेल्डिंग रॉड्स, ये सारा जनरल सामान है जो नॉर्मल फैक्ट्री में मेरे पास होता ही है। बस बनाने की थोड़ी सी चुल थी, वो शुरू कर दी। अब बनाना कोशिश करेंगे कि एडवेंचर के जितने भी हमारे जो भी इक्विपमेंट लगे या जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो 90% होगी कि वो मैं खुद ही बनाऊँ घर पे। जैसे अब ये कार रूफ टॉप टेंटिंग बना रहे हैं, फिर मेरा किचन भी बनेगा इसी में, स्नो चेन्स भी मैं खुद ही घर पे बनाऊंगा, बट वो भी प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ से हम पहले स्टार्टिंग करेंगे स्क्वायर बनाने की। स्क्वायर बॉक्स जो है, ये गाड़ी की छत का साइज़ लिया था कि जो हमारा टेंट का जो फ्रेम है वो गाड़ी से बाहर ना निकले, तो गाड़ी की छत के अंदर अंदर ही रहे। तो ये स्क्वायर का साइज़ जो था वो गाड़ी से लिया है। अब इसको हम जोड़ना शुरू कर देंगे स्क्वायर बना के, फिर इसका राइट एंगल करके, राइट एंगल करने के बाद इसका साइज़ इक्वलाइज करना है चारों तरफ से। देन उसके बाद फिर हम इसको धीरे धीरे छोटे छोटे वेल्डिंग करने शुरू कर देंगे। ये हमारा नीचे का स्क्वायर जो है वो सेट हो गया है, और ये जो बना रहे हैं ना हम दो पीसेस में बना रहे हैं। मतलब जब ये फोल्ड हो जाएगा तो वन सेट हो जाएगा, और खुलने के बाद ये पूरा 6 फीट लॉन्ग हो जाएगा, 6+ ही होगा। और जब ये फ्रेम ऊपर का बन जाएगा तो ये बीच में आप देखो, अभी इसमें मैंने सपोर्ट्स के लिए बीच में भी इसमें रॉड्स लगा दिए, जो स्क्वायर पाइप है MS का, लोहे का जो स्क्वायर पाइप है वो भी लगा दिया बीच में। अब इसको हम अभी सिंपल छोटे छोटे स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। देन जब ये स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी उसके बाद हम इसको फुल वेल्डिंग के प्रोसेस में डालेंगे। अब देखो इसमें जिस तरह से बीच में साइड में सपोर्ट्स डाली थी ना लॉन्ग, वैसे ही इसमें शॉर्ट सपोर्ट्स भी डाली हैं, ताकि अगर इसमें हम दो या तीन आदमी बिंदर भी बीच में सो जाएं तो दिक्कत ना आए, इसमें फुल सपोर्ट रहे, हैवी रहे। इसमें सबसे मुश्किल और मेहनत वाला काम होता है ग्राइंडिंग करना, इसको खड़े होके करना पड़ता है, और दूसरा इसमें चिंगारी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, आँखों में डलने का भी डर रहता है। ग्राइंडिंग इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि फिनिशिंग भी चाहिए। तो ये ग्राइंडिंग करने के बाद ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा इसमें कि जब ये पूरा कवर्ड होके कैसा लग रहा है। अच्छा बंद कर दे अभी। और ये वाला जो प्रोसेस, ये तो आपने मेरा शॉर्ट में भी देख लिया होगा, ये वीडियो मेरे शॉर्ट में भी मैंने डाली थी बना के, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। ये फ्रेम हमारा पूरा रेडी हो गया, कंप्लीट है। अब इसके ऊपर जस्ट इसको कवर करना बाकी रहेगा। और यहाँ पे हमारा शुरू हो गया है किचन का सामान बनना, जो हम पीछे पोर्टेबल किचन भी बना रहे हैं।
वो भी इसमें आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा। लो जी फाइनल, अब ये बन के हो गया है तैयार। बस अब कुछ ही दिनों में हम इसको अपनी गाड़ी पे करेंगे इंस्टॉल। आज हम इसको थोड़ा सा रेडी कर रहे हैं कि फिटिंग करके कि ये प्रॉपर कैसा लगेगा। बस कुछ ही दिनों में हम इसको गाड़ी पे इंस्टॉल कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिप। जब मैं इसको गाड़ी पे इंस्टॉल करूँगा तो उसकी भी वीडियो एक बना के डालूँगा आपको पूरा, इसका कैसे ये हमने इसको इंस्टॉल किया और इसमें कितनी जगह है, कितना स्पेस है। तो बने रहना चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।